है। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कह दिया कि वो कल क्या करेंगे ये कल ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में ठहरे 16 कांग्रेसी विधायकों ने उनसे कहा है कि वो स्पीकर से मिलने नहीं आ सकते। उन्होंने जिस तरह से पहले 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया उसी तरह से इन विधायकों का इस्तीफा भी स्पीकर स्वीकार कर ले। मैंने कल भी कहा था कि कब मुझे क्या निर्णय लेने हैं मैं पूर्व से काल्पनिक रूप से नहीं बता सकता। यह मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति की पहली प्रतिक्रिया है जो राज्यपाल की ओर से 16 मार्च को कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दिए जाने के बाद सामने आई। शनिवार देर रात मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को निर्देश दिया कि बजट सत्र में उनके अभिभाषण के तुरंत बाद वोटिंग कराई जाए और वो विश्वास मत हासिल करें, अभिभाषण के बाद कोई भी दूसरी कार्रवाई न हो। इस संबंध में राजभवन से आधी रात के लगभग एक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेज दी गई। अब गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, लेकिन उनके बयान से सस्पेंस बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि 16 तारीख को सदन में क्या होगा ये उस समय ही पता चलेगा। कब मुझे क्या निर्णय लेने हैं मैं पूर्व से काल्पनिक रूप से नहीं बता सकता। अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो अंधेरे में तुक्का मार रहे हैं और मैं उस तुक्के के सहभागी नहीं बनना चाहता। काल्पनिक कतई नहीं है। गवर्नर महोदय संवैधानिक प्रमुख है राज्य के, और उनका आदेश और निर्देश जो है उसी के अनुरूप विधानसभा आहूत होती है, विधानसभा की कार्रवाई चलती है। और जो सरकार जो है कमलनाथ जी की अल्पमत में आ गई है और इस कारण से ये उन्होंने तय किया कि उनके अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाए, सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे। और इसमें अध्यक्ष महोदय को भी निर्देशित किया उन्होंने कि किसी भी प्रकार के इसमें विलंबित नहीं की जाए कार्रवाई। स्पीकर का कहना है कि वो कांग्रेस के उन 9 विधायकों से मिलने का इंतजार करते रहे हैं जो बेंगलुरु में हैं, जो वीडियो के जरिए मीडिया में बयान दे रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने नहीं आ रहे। उनका कहना है कि विधानसभा के संरक्षक होने के नाते उन्हें विधायकों की चिंता है कि वो सुरक्षित भी हैं या नहीं। दूसरी ओर बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के 22 बागी विधायकों ने फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होने का दावा किया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उन्हें भोपाल लौटने पर केंद्रीय बल की सुरक्षा दी जाए क्योंकि उन्हें कमलनाथ सरकार से डर है। न्यूज़ें आ रही हैं, मैं चिंतित हूँ संरक्षक होने के नाते कि मेरे विधानसभा के माननीय सदस्यों के साथ क्या हो रहा है, और ये लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। डर है कि अगर मैं भोपाल जाता हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मुझे पकड़ भी सकती है, इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को CRPF की मांग की है कि मुझे उपलब्ध कराएं जिससे मैं अपने घर पहुंच सकूं। ना ही किसी प्रकार का बंधन है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी किसी ने बंधन बना के रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से जब मैं मध्य प्रदेश जाऊं तो मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल से सुरक्षा मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार से मुझे भरोसा नहीं है। मैं अध्यक्ष से और गवर्नर जी से मांग करती हूं कि मुझे पुलिस बल चाहिए। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी पर हुए हमले का हवाला दे रही है, जिन्हें राज्यसभा के नामांकन के बाद एयरपोर्ट लौटते समय काले झंडे दिखाए गए। आरोप है कि उन पर पत्थर फेंके गए और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। इस बीच राज्यपाल ने जैसे ही मुख्यमंत्री कमलनाथ को विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया उसके कुछ ही घंटे बाद जयपुर में मौजूद कांग्रेस विधायक भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल पहुंचने के बाद इन विधायकों ने दावा किया कि कमलनाथ की सरकार सुरक्षित है। हमारे 112 से ऊपर है, हमारी 112 से ऊपर हमारी संख्या है। अरे फ्लोर टेस्ट पे कांग्रेस की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन विधायक नमस्ते करके चले गए। नमस्ते करके कोई नहीं चलेगा, ये तो फ्लोर टेस्ट के बाद समझ में आएगा। 100% सुरक्षित, ऑल इज वेल।
प्रकार सुरक्षित है और जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश इस देश में नापाक इरादों के लोग इस सरकारों को बदलना चाहते हैं, आज सारे विधायक मध्य प्रदेश के एकजुट होकर इस प्रदेश में उस तानाशाही को नहीं चलने देंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी, कमलनाथ जी की सरकार। विधायक दल सब साथ है और सब विधायक साथ है और आप देखिएगा कल कमलनाथ जी विल शो देयर हिज मैजिक। सर, लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस विधायक हमारे संपर्क में पूरे विधायक थे, पूरे विधायक आ गए, गिनती की बात हो रही है सर, 107। बीजेपी ने अपने विधायकों को हरियाणा के मानेसर में रखा था। शाम को शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने पहुंचे। कल फ्लोर टेस्ट है, विश्वास मत, सरकार विश्वास खो चुकी है, अल्पमत की सरकार है और इसका गिरना तय है। लेकिन सर ये भी प्रयास कर रही है सरकार के टाल दिया जाए कोरोना को लेकर। गवर्नर साहब के निर्देश है, उसका पालन सरकार को करना ही होगा। इसके पहले दिन में दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एक बैठक हुई। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठक की, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। जो प्रक्रिया है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय पालन करना चाहिए और यही हमारी उम्मीद है कि वे जो स्थापित परंपराएं, प्रक्रिया और कानून है उसके अनुरूप माननीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। अब सब कुछ स्पीकर के रुख पर निर्भर है। स्पीकर दावा कर रहे हैं कि वो विधानसभा के संरक्षक हैं और कार्रवाई चलाने के उनके पास पूरे अधिकार हैं। मैंने कल व्यवस्था समझाई, मैंने क्या अधिकार हैं मध्य प्रदेश सभा अध्यक्ष के स्थाई, मैंने कल पढ़ के बता दिया था। जो आपके प्रश्न हैं उसका उत्तर उसमें छुपा हुआ। इस बयान से कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बढ़ गया है। कांग्रेस का दावा है कि राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने का आदेश दे दिया है, लेकिन कार्यवाही चलाने का पूरा अधिकार स्पीकर को होता है। इस बीच एक पेंच ये भी है कि विधानसभा का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम खराब है। बीजेपी ने हाथ उठाकर वोटिंग की मांग की है। ये वोट होता है या नहीं, कब और कैसे होता है, सब कुछ स्पीकर पर निर्भर है। कब मुझे क्या निर्णय लेने हैं मैं पूर्व से काल्पनिक रूप से नहीं बता सकता। रवीश पाल सिंह के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक।